जादुई कलम। राधेपुर नाम का एक बड़ा सा राज्य था। वहाँ के राजा सत्यवान बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा में सदा ही जय जयकार होती रहती और उनके इसी अच्छे स्वभाव के कारण एक बड़े जादूगर ने उन्हें प्रसन्न होकर एक कलम भेंट की। हे न्यायप्रिय राजा, यह कोई साधारण कलम नहीं, यह एक जादुई कलम है। सत्य की परीक्षा में यह तुम्हारा हमेशा साथ देगा। इस कलम से जो भी अच्छा लिखोगे वह 3 दिन बाद वैसा ही होगा। जादूगर, क्या वाकई यह कलम जादुई है? जी महाराज, चाहे तो आजमा के देख लीजिए, पर एक सावधानी लेनी होगी महाराज। वह क्या? यह कलम जिसके हाथ में होगी वही उसका मालिक होगा, और पहले इस्तेमाल में जिस चौपड़ी पर आप अपनी इच्छा लिखेंगे उसी चौपड़ी पर बाकी लिखी हुई इच्छा पूरी होंगी। मतलब चौपड़ी और कलम के मिलाप से ही इच्छाओं की पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस कलम का हमेशा प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह राजा जल्दी उठकर कलम और चौपड़ी की मनोभाव से पूजा कर उस पर अपनी इच्छा लिखता है। मेरे राज्य में हरियाली छाए, नदियों और कुओं में पानी ही पानी आए, बस यही है इच्छा, प्रजा का पुण्य मुझे मिल जाए। ऐसा लिखते ही काला अक्षर स्वर्ण बन गया और आने वाले 3 दिन में चारों तरफ हरियाली छा गई। नदियाँ कुएं पानी से भरकर बहने लगे। यह तो चमत्कार हो गया, कमाल की कलम है यह। इसी तरह राजा ने प्रजा के हित में आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ मांगा और कलम ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी। यदि यह कलम मुझे मिल जाए तो मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ। पर चौपड़ी तो सिपाहियों के निगरानी में है। मैं अपनी इच्छा लिख देता हूँ, क्योंकि राजा तो मैं ही बनूंगा। राजा के विश्वास का प्रधान फायदा उठाते हुए अपनी इच्छा से उस चौपड़ी में लिखता है, मैं राजा बन जाऊँ। आने वाले 3 दिनों में राजा की मांगी सारी इच्छाएं उल्टी हो जाएं और राजा भिखारी बन जाए। अक्षर का रंग लाल हो जाता है और प्रधान बहुत खुश हो जाता है। इस चौपड़ी में यह इच्छा किसने लिख दी? कौन मेरे राज्य के बुरे पर तुला है? अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। यदि यह लिखने वाले का पता नहीं चला तो राज्य में फिर से दुख का साया आ जाएगा। कुछ करना होगा। राजा तुरंत उस जादूगर को बुलाकर यह बात बताता है। महाराज, आप चिंता ना करें, इसका हल है मेरे पास। आप राज दरबार में सबको बुलाइए। ठीक है, पर इस संकट का निवारण कर दो जादूगर। दूसरे दिन दरबार में राज्य के सभी लोग आते हैं और जादूगर अपना दिमाग चलाता है। इस राज्य के चौपड़ी में किसने अपनी काली करतूत है लिखी? लेकिन वह नादान यह नहीं जानता कि इस कलम से हमेशा अच्छी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जो बुरा लिखे उसकी उसी 3 दिन बाद मौत हो जाती है। यह सुनकर प्रधान के होश उड़ जाते हैं और फिर, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लालच में आकर मैंने यह सब लिख डाला, पर मुझे नहीं पता था इसका दुष्परिणाम मेरी मौत है। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए जादूगर जी, मुझे बचा लीजिए। यदि तुम अपनी जान से प्यार करते हो तो इसी चौपड़ी में लिख डालो, मेरा लिखा मिट जाए, फिर से सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। प्रधान जैसा जादूगर कहता है वैसा ही लिख देता है और पहले वाले अक्षर मिट जाते हैं और कुशल मंगल के अक्षर सुनहरे हो जाते हैं। राजा प्रधान की गलती की उसे सजा सुनाता है। अच्छाई के आगे बुराई की हमेशा हार होती है।